हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा, आपका स्वागत है आशा की गार्डनिंग में, मेरी खुशियों की बगिया में। खुशियों की बगिया फ्रेंड, ये देखिए कैसे हरी भरी जो है मेरी खुशियों की बगिया हो गई है फिर से। और मेरे जो है आज की इस खुशियों की बगिया में ये जो है फिर से एक जुगनी की हार्वेस्टिंग, ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी जो है मेरी जुगनियाँ हो रही है, जुगनियाँ हो रही हैं, बहुत सारे इस पे जो है अभी भी लग रही हैं। तो ये देखिए कितनी हेल्दी और कितनी मोटी, बहुत अच्छी। तो बहुत नीचे तक अभी मेरा जो है इसका अभी प्लांट कहूँ या बेल कहूँ आ गई है, बिल्कुल नीचे तक पहुँच गई है। तो अब जो है इसके लिए थोड़ा सा मुझे कुछ और जुगाड़ सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं इसे हेल्दी रख सकूँ, ताकि जो है मुझे खूब हेल्दी हेल्दी ये मिलती रहे जुकनियाँ। इस पे भी है बहुत सारी फ्रेंड्स, बहुत सारी ये गुच्छों में लगती है। तो उसके कारण क्या होता है, आप ये देखिए 2 3 4 5 ये सारी लगी हुई हैं। तो उसके कारण जो है ये फसल ढंग से जो है पनप नहीं पाती है। तो मैंने सोचा इसको मैं हटा ही दूँ। ये देखिए ये नहीं इसको पोषण मिल पाया तो ये ख़राब भी हो जाती है फ्रेंड, इस टाइप से देखिए आप, ये ख़राब हो चुकी है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी जो है इस पर ये 3 तो लगी रही हैं, तो इन तीनों का आनंद लेंगे। और उस पर भी 2 लग रही हैं तो काफ़ी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और क्या क्या है हार्वेस्ट करने के लिए। तो आइए फ्रेंड, और ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरी टोरी और आज मैं करूँगी इनकी भी हार्वेस्टिंग। ये देखिए इतने बैंगन जो है लगे हुए हैं, तो चलिए आज निकालते हैं बैंगन। ये देखिए ये गोल और लंबे सभी तरह के हैं फ्रेंड आज तो। कुछ हरी मिर्चें जो लाल हो गई हैं उनको भी निकाल देते हैं, कई वीडियोस में मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छी जो है मिर्चियाँ लग रही है मेरे इस पेड़ पे। ये देखिए फ्रेंड, एक्चुअली फ्रेंड बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो एक बार आपके गार्डन में आ गई तो पूरे साल भर आपको खूब भर भर के अच्छे से सब्जियां देती हैं। बाकी मेरी बेलों के अपडेट देखिए, खूब अच्छे से जो है हरी भरी जो है होने लगी अब बेलें फिर से। तो अब होप सो कि अब इनके फिर से फूटें हो। बाकी मिर्चें देखिए, तो चलिए आगे और देखते हैं क्या है। ये देखिए फ्रेंड, 1-2 करेले ले लेते हैं। करेले भी फिर से जो है अब जाके जो है बेल थोड़ा अच्छे से। चलिए बाकी ये देखिए फिर से जो है खूब अच्छे से करेले लग रहे हैं। ये देखिए अब जा करके जो है बेल में फिर से थोड़ा सा जाम आई है और फिर से जो है खूब अच्छी क्वांटिटी में लग रहे हैं करेले। तो ये होता है फ्रेंड, अगर आपने गर्मियों में अगर आप फरवरी मार्च में अगर आप बेल बोते हैं तो वो आपको पूरी गर्मियों भर भी जो है फ्रूटिंग देती है, और गर्मियों के बाद थोड़े दिन के लिए जो है वो जो है रेस्ट मोड में चली जाती है, और उसके बाद जो है वो फिर से अब जैसे रेन शुरू हुआ है तो ये फिर से जो है नई ताजगी के साथ, ये देखिए इसकी बढ़त शुरू हो गई है। तो बहुत बढ़िया जो है इसका रिजल्ट है। तो चलिए आगे चलते हैं और क्या है मेरे पास हार्वेस्ट करने के लिए। तो आइए, और इसी के साथ जो है अरबी के पत्तों की हार्वेस्टिंग लीजिए। पतिदेव हेल्प करते हुए,
अरबी के पत्तों के बहुत सारे डिशेज़ बनती है फ्रेंड। अरबी के पत्तों के बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है और बहुत टेस्टी पतोड़ बनते हैं, तो हम लोग तो ज़्यादा पतोड़ के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी कई बार अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सब्ज़ी भी बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो है, ये थी मेरी आज की मुख्य हार्वेस्टिंग। और दिखाती हूँ और क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। भिंडी, तो भिंडी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भिंडी मेरी बहुत ज़्यादा नहीं निकल रही है, बस दो चार डेली निकल जाती है। तो तीन चार दिन में मिला करके एक दिन ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो जाती है सब्ज़ी। पता नहीं क्या इस बार मुझे समझ नहीं आया कहाँ गड़बड़ हुई। पेड़ तो उगे लेकिन वो हेल्दी नहीं हो पाए। और चलिए अभी मैंने फिर से बरसाती भिंडी बोऊंगी। जैसे कि मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था कि अभी भी जो है आप बरसात के लिए भिंडी बो सकते हैं, जिनका जो आपको रिजल्ट अक्टूबर नवंबर तक मिलता रहेगा। तो और देखते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या है। चलिए कद्दू के पत्ते और आज इनकी सब्ज़ी, क्योंकि जो मुझे लग नहीं रहे कि ये बहुत ज़्यादा बढ़त के साथ आगे जा रहे हैं, उनको निकाल देना चाहिए। फ्रूटिंग का कोई हो नहीं है, बहुत सारी छोटी छोटी टहनियाँ निकल रही हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि ये बहुत बेलों को ख़त्म करें। ये देखिए आप, जैसे ये है छोटा सा यहीं पर से, तो इनको निकाल देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा शक्कर के रूप में आगे बढ़े, इनको यहीं ख़त्म कर दो और बेल को सेव कर लो। ये देखिए जैसे ये है, देखिए यहीं पर से यहीं पर जैसे ये है, देखिए है ना। तो ये शक्कर भी ख़त्म हो गए और मेरे पत्ते भी काम आ गए। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, बेल भी आपकी अच्छी बढ़ेगी और आपको जो है पत्तों की सब्ज़ी भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से उम्मीद। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरी आज की हार्वेस्टिंग। बैंगन, साथ में कुछ करेले, ढेर सारे बैंगन, थोड़ा सा दो चार करेले, थोड़ा सा भिंडी और मिर्चें। आज मैंने हरी मिर्चें नहीं तोड़ी, बल्कि मैंने ये वाली मिर्चें तोड़ी जो रेड होने वाली है, और अब बस एक दिन इसको अंदर रखूँगी तो पूरी रेड हो जाती है। पेड़ पे कई बार ये सड़ने भी लगती हैं। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड, जब आप इन फल को तोड़ेंगे तो पेड़ को एनर्जी मिलेगी और वो नए फल प्रोड्यूस करेगा। अगर हम इन्हीं को पेड़ पे पकने के लिए रख देंगे तो जो है पेड़ नए फल नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इस तरीके से जो है, ये है मेरी आज की थोड़ा छोटी हार्वेस्टिंग और ढेर सारे मेरे कद्दू के पत्ते और अरबी के पत्ते, ढेर सारे। तो देखती हूँ आज, या तो इन दोनों की मिला करके रस्से वाली सब्ज़ी बनाऊँगी जो कि चावल के साथ खाने के काम आती है, और नहीं तो कद्दू के पत्तों के अलग से सब्ज़ी और अरबी के पत्तों के पतोड़ बनाऊँगी। ये मेरी दो तोरी है ना, ये मेरे दो करेले, ये दो टमाटर और ये बैंगन इतने सारे, और साथ में मिर्ची जो रेड होने वाली है, और साथ में ये मेरी जुकनी है ना। तो इस तरीके से जो थी, ये है मेरी आज की हार्वेस्टिंग। मैं कोशिश कर रही थी इसको किसी चित्र का आकार देने की, लेकिन ये नहीं हो पाया बिकॉज़ सब्जियां थोड़ा कम हैं। और मैं चाहती हूँ जो मेरी आज की हार्वेस्टिंग हो उसी में मेरा कुछ जो है डायग्राम सेट हो। तो बस ये था। अगर आपको ये कुछ लग रहा है, किसी चीज़ का आकार लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको क्या नज़र आ रहा है। बाकी धन्यवाद फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छे लगते हों फ्रेंड तो चैनल को जरूर, वीडियो को ज़रूर शेयर करें औरों तक भी। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।